हाय, इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि कैसे हम टेक्निकल शेड्यूल बनाते हैं किसी भी नए ऑफर का। तो जैसे ये 21664 का एक हमने फोल्डर किया था पिछले वीडियो में, अब हम इसका टेक्निकल शेड्यूल बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने एक गूगल शीट क्रिएट करनी है। हमने एक गूगल शीट क्रिएट करी, इसका हमने टेक्निकल बनाना है। तो इसका हम इस तरह से नेमिंग करते हैं, 21664 अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर R0 डेटेड, आज की डेट 23/03/22। तो ये हमारा लेटर का नाम हो गया, डिटेल्स का नाम हो गया। हमारे सी या जेड कोलन में टेक्निकल डेटा जो हमने कॉस्टिंग से निकाला है वो पड़ा होगा। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसको कंट्रोल ए करके सारा ये सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए किया, उसके बाद कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी किया। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होती है। ये ऊपर ABCD हम हटा देते हैं, डिलीट रोज कर देते हैं, ये वाला कॉलम डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसको कम कर देते हैं जी। इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें हम लिख देते हैं कस्टमर का नाम, कस्टमर का नाम इसका यूनाइटेड, यूनाइटेड मरीन था, मैसर्स यूनाइटेड मरीन। ऑफर नंबर ये है हमारा, सिंगल कटर क्रेन, ये हो गया। इसको हम बॉर्डर्स कर देंगे, सारी तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे हमारे। और मोटा मोटा हम चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर ये इसको डिलीट करना होता है, ये वैल्यूज़ को, श्रोडर GI रहेगा यहाँ पे। इधर हमको ये हैश ये वाला हटाना होता है, ये हटा दिया। हाँ जी, तो ये हमारी टेक्निकल शीट तैयार हो गई है। राइट जी, तो ये टेक्निकल शीट तैयार। थैंक यू।